हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपने कई लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि भाई एप्सन L1805 A3 प्लस प्रिंट निकाल सकता है, यानी कि 12:18 तक प्रिंट निकाल सकता है। तो 12:18 के पेपर मेरे पास थे नहीं उस टाइम पर, अभी 12:18 के पेपर मेरे पास आ चुके हैं। तो अभी 12:18 प्रिंट निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये A3 प्लस प्रिंट भी सपोर्ट करता है और उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। तो मेरे पास पेपर जो है वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के मैंने मंगवाए थे, उसकी पेपरों की डिटेल मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। अभी मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास अभी कोई कस्टमर का प्रिंट आउट तो है नहीं, तो मैं अपने लिए कुछ घर में लगाने के लिए कुछ ऐसा प्रिंट निकाल लेता हूँ जो 12:18 का हो और आपको पता भी लग जाएगा उसकी प्रिंट क्वालिटी से। तो अभी अपने पास एप्सन L1805 है, तो इससे अपन फटाफट से प्रिंट निकालते हैं और मैं सेट करता हूँ कंप्यूटर पर और फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर आ गया हूँ और अपन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक पिक्चर जो कि मेरे 12:18 में फिक्स आ जाए और उसकी प्रिंट क्वालिटी थोड़ी बेटर हो। तो यहाँ पर मैंने इमेज सेट कर लिया मेरी, मैं प्रिंट आउट निकालूंगा इस प्रिंटर से फटाफट से। और ये अपना पेपर है 12:18 का, ये मैंने मार्केट से लिए हैं, खुले पेपर आते हैं। एक क्या है कि मेरे को जो प्रिज्मा जेट है वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे, ये 500 में मेरे को 30 पेपर मिल गए, लेकिन इनकी क्वालिटी और ये इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। ये 210 GSM का पेपर है। अब मैं फटाफट से इसको लगाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना पिक्चर है, 12:18 के साइज़ में मैंने सेट कर रखा है और ये अपना पेपर है। और अब इसको फटाफट से लगाते हैं यहाँ पर। अब आ गया अपन मेन स्क्रीन पे वापस और फटाफट से अपन प्रिंट देते हैं इसको। यहाँ से अपन ने प्रिंट सेलेक्ट किया अपना प्रिंटर एप्सन L1805। अभी अपन से पूछ रहा है कि आपको बॉर्डर में करना है विदाउट बॉर्डर, तो अपन बॉर्डर लेस करेंगे इस प्रिंटिंग को और ओके करेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रोसेस्ड और प्रिंट। ये ट्रे अपन बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए अपनी प्रिंटिंग हो रही है। मैंने ये नॉर्मल पे ही रखा है, हाई क्वालिटी हाई रेजुलेशन पे मैंने प्रिंट नहीं निकाला है, नॉर्मल प्रिंट मैंने निकाला है। और ये देखिए इसकी स्पीड, अब मैं आपको नॉर्मल क्वालिटी पे भी इसका जो रेजुलेशन है वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी है ये, और नॉर्मल पे भी इसकी जो इंक है वो नहीं छूट रही है। ये देखिए आप, मतलब नॉर्मल क्वालिटी पे भी इसकी इंक नहीं छूट रही है कहीं से भी। ये देखिए आप, तो मेरे पास प्रिंट आउट थे नहीं कोई कस्टमर के। शाम को मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट से कलर प्रिंटिंग आएगी, उसको अपन को ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है वो उसको कलर में कन्वर्ट करके निकालनी है। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन क्वालिटी है ये इस प्रिंटर की। देखिए जो कलर इसके अंदर है इमेज में वही सेम कलर अपन को यहाँ पे देखने को मिला है, कहीं से कोई कलर के अंदर कोई शिकायत नहीं है। और बॉर्डर लेस प्रिंटिंग देखिए आप कितनी बेहतरीन है ये इसकी। और ये मैंने नॉर्मल प्रिंट आउट निकाला है, सिर्फ जस्ट नॉर्मल, इसमें मैंने हाई क्वालिटी या फिर हाई रेजुलेशन नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल मैंने प्रिंट आउट निकाला है। और आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। तो अपना प्रिंट आउट जो है वो बाहर आ चुका है और देखिए आप इसकी प्रिंट क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। ये मैंने बॉर्डर लेस निकाला है और मेरे पास कोई कस्टमर का प्रिंट आउट था नहीं, तो मैंने अपने लिए ही घर में लगाने के लिए एक मक्का मदीना की फ़ोटो निकाल ली, क्योंकि मेरे को प्रिंट निकाले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे मेरे को इससे प्रिंट निकाले हुए। हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है प्रिंट निकालने में, जैसे 2 दिन बाद में मैंने इसको प्रिंट निकाला। कई लोगों के कमेंट होते हैं कि भाई ये इसकी इंक वगैरह सूखती है या नहीं सूखती है, तो देखिए मैंने 2 दिन बाद में प्रिंट आउट निकाला इसको और इसके अंदर कोई शिकायत आई नहीं ऐसी कि अगर मेरी इंक सूख गई हो या कुछ ऐसे प्रिंट लेने में नाटक कर रहा हो या कुछ भी दिक्कत हो, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बस मैंने जस्ट कमांड दी और ये प्रिंट निकल के बाहर आ चुका है और आप देख सकते हैं बॉर्डर लेस में कितनी बेहतरीन प्रिंट आउट आई है इसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा एप्सन 18050 है उसकी प्रिंट क्वालिटी ये है। और ये देखिए ये काफ़ी पुराना पेज है मेरा और इसमें अभी मैं हाथ लगाऊंगा तो ये देखिए कलर निकल गया, ये मेरी उंगली पे लग गया। तो ये दिक्कत आ रही थी उस प्रिंटर में मेरे को, जबकि मैंने ये इंक भी इसमें ओरिजिनल डाली थी। और ये देखिए आपकी इसकी इंक भी ओरिजिनल है और ये पेपर भी अच्छी क्वालिटी के हैं थोड़े, ये भी अच्छी क्वालिटी के पेपर है। और जो ये मैंने 700 में लिए थे, तो ये मैंने शॉप से ख़रीदे थे ये वाले पेपर, अपने जो प्रिंटिंग पेपर वगैरह जेरोक्स पेपर वगैरह वो जो बेचते हैं, और ये मैंने किसी जानकार के थ्रू ख़रीदे हैं, उनकी एक कंपनी है तो वो पेपर वगैरह का ही उनका मेन काम है, तो वहाँ से मैंने ख़रीदे थे। इसको ख़रीद के भी मैंने L1300 से प्रिंट निकाल के देखा था,
तो उसमें भी कलर निकल रहा था पेपर के ऊपर। और अभी देखिए इस पेपर पे मैंने क्वालिटी निकाली है एप्सन L1805 से और क्वालिटी ही निकली है यार, वाकई में ये पेपर अच्छा है। और ये प्रिंटर का फ़र्क होता है, देखो यार अभी मैंने इस पे भी प्रिंट निकाले थे, सेम पेपर था और यही फ़ोटो मैंने निकाली थी और मैंने हाथ लगाया तो पेपर पे कलर निकल रहा था, और ये एप्सन L1805 से निकाला तो इसके ऊपर कलर नहीं जा रहा है आराम से। देखिए आप कहीं पर भी मैं हाथ लगाऊँ कलर नहीं जा रहा। तो मेरा जो L1300 था उसका बेचने का मेन कारण यही था कि यार उसके ऊपर कलर जो है वो निकल रहा था। अगर वो कलर नहीं निकालता, मैंने जबकि उसमें ओरिजिनल इंक भी इंस्टॉल करी थी, अगर वो कलर नहीं निकालता तो मैं उसको कभी सेल नहीं करता। दूसरी चीज़ मैं इस उसी से काम चला लेता, इस प्रिंटर को कभी मैं ख़रीदता नहीं। अभी दिक्कत ये है कि उसमें कलर छूटने की प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से मेरे को ये ख़रीदना पड़ा। और ये देखिए आप प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकलती है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि प्रिंटर अच्छा नहीं है, प्रिंटर काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के अंदर, काफ़ी अच्छा बजट प्रिंटर है। आप अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। मार्केट में ये मेरे हिसाब से 35 से 38 की रेंज में है, जो भी आप एक बार मार्केट में ट्राई करना, यहाँ पे 38 की रेंज में मिल रहा है मेरे को जयपुर में। कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे ये 43-44 हज़ार का है, तो देखिए मार्केट से लेने में ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आपको भी ये प्रिंटर लेना है तो आप फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो और लोकल मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं, नया भी मिल जाएगा ये 35 से 38 में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन ये आपको 44 का मिलेगा। तो मैंने सेकेंड हैंड परचेस किया था और 23 हज़ार में मेरे को मिला था, मेरे को करनाल से ये लेके आना पड़ा था और रोलेक्स मैंने परचेस किया था। तो काफ़ी अच्छा प्रिंट क्वालिटी है इसका और काफ़ी अच्छा प्रिंटर भी है, काफ़ी फास्ट भी है। अभी नॉर्मल क्वालिटी पे मैंने इसको निकाला है और फटाफट से इसने मेरे को मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगाए होंगे और फटाफट से इसने मेरे को प्रिंट निकाल के दे दिया 12-18 का। और आप देखिए इसकी नॉर्मल पे भी इसकी प्रिंट क्वालिटी कितनी बेहतरीन आई है, और अगर मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पे निकालता तो इसकी और बेटर क्वालिटी आती। तो मैंने नॉर्मल पे ही निकाला है और देखिए फिर भी आप प्रिंट क्वालिटी कितनी बेहतरीन है इसकी। और ये नॉर्मल पेपर है, प्रिज्मा जेट की इससे अच्छे क्वालिटी के पेपर आते हैं, पर मैंने नॉर्मल पेपर लिए क्योंकि प्रिज्मा जेट के मेरे को मिल नहीं रहे थे मार्केट में, और तो मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेज किए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पेपरों की। बाकी अगर आप भी ये प्रिंटर परचेज़ करना चाहते हैं, अगर बिज़नेस के लिए लेना चाहते हैं, जो छोटे मोटे काम आपको निकालने हैं, तो देखिए छोटे मोटे काम के लिए प्रिंटर आपके लिए नहीं है। जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए तो इसको डायरेक्ट प्रिंटर को वहाँ से स्विच से बंद मत करिए, डायरेक्ट स्विच से कई लोग क्या है बंद कर देते हैं, यहाँ से एक बार पहले बंद करिए ताकि क्या है इसका हेड जो है इधर उधर मूवमेंट में रहता है तो वो अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए यहाँ से बंद करिए पहले इसको, उसके बाद में ही वहाँ से डायरेक्ट प्लग में से बंद करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अपन ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।